पूर्वज पुरखों द्वारा दी गई खेती की जमीन से परिवार का भरण पोषण कर रहे युवक ने कुछ भूमाफियों पर नगर के मोहल्ला पाठकपुरा निवासी कल्लू यादव ने आरोप लगाया कि उसके हिस्से की जमीन पर दबंग जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन फर्जी शिकायतें कर पुलिस से उत्पीड़न करवाते हैं। अनाथ कल्लू ने आरोप लगाया कि आज भूमाफिया पुलिस को लेकर आए और उसकी जमीन पर कब्जा कर कार फिनिशिंग करवाने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसके परिजनों के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। पुलिस तमाशा देखती रही। कल्लू ने एसएसपी से मांग की है कि उसे न्याय दिलाया जाए। संवाददाता रामपाल प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जो, यहाँ पर जो जमीन है जी, यहाँ पे विवाद चल रहा है, किस बात का विवाद चल रहा है जी? जी नाजा सता रहा है हमारे आदमी को, 10 महीने खत्म नहीं हुए भाई हैं। और जमीन साफ डाक्टर जी प्लस वाले लुवा के लेखपाल पटवाई लुवा के आते हैं और नाजा सता रहा है हमारी जमीन पर, कब्जा करने आ रहे हैं, प्लस लेके आते हैं। वे धमकी दे रहे थे कि लेडीज प्लस बुलाओ इन लोगों के लिए, पकड़वाने के लिए बहुत मोह चला रहे हैं ये लोग। कौन लोग हैं वो लोग? ये लोग हैं मुनीम साहब हैं और प्लस साथ में लगाए हैं, प्लस वाले भी धमकी दे रहे हैं। तो जमीन किसकी है? जमीन हमारे पुश्तैनी जमीन है, नत्थू यादव की है, उनके हम नाती नत बहू हैं, उनने गोद में दान की थी और वो भी हमें परेशान कर रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, ऐसे तो अभी क्या हो रहा था यहाँ पे? अभी ये नापने के लिए लेखपाल प्लस साथ में लेके आए। आप लोगों को कोई जानकारी करके नप रही थी? कोई जानकारी नहीं मिल रही है हमें। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है? अभी नहीं की, 90 की हमारी डरी है और ये लोग मान नहीं रहे हम लोग। आप क्या चाहती हैं? जितनी उनकी है तो भी अपनी ले सकते हैं, लेकिन नाजात नहीं सता सकते हैं। अभी जब तक हमारी नहीं नप जाएगी जब तक कोई हाथ नहीं डाल पाएगा। क्या नाम आपका? हमारा नाम सर कल्लू यादव है जी, मोहल्ला फाटकपुरा मऊरानीपुर जी। दीपक सामने की जमीन का मैटर है सर जी। यहाँ पर आए दिन हम लोगों को धमकी, कब्जा थाने में पकड़वा देते कहूँ जिए कहूँ वो, माफिया पूरे हमारी जमीन के लिए लगे हैं। हमारे पिताजी ख़त्म हो चुके हैं और जमीन दिखा रही के बच्चों को सताओ, परेशान करो, इनकी ज़मीन पे कब्जा करो। हमारे पुरखन ने जो ज़मीन बेची उसे देने के लिए हम तैयार, लेकिन ना जाए ऐसा आदमी कब्जा कर रहे हैं। 4 बीघा की जगह 8-8 बीघा 6-6 बीघा पे कब्जा करना चाह रहा है सर। अच्छा अच्छा, ना जो आपने जमीन, कौन लोग हैं? जिस रोड या डॉक्टर हैं उसमें बहुत काफ़ी लोग हैं, उसमें लगे सब जमीन मुखिया लगे। कब से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? हमें जी कम से 2-3 महीने से परेशान कर रहे हैं, कटाई की बेरा को पुलिस कहूँ जी कहूँ वो। हमारे पास और भी वीडियो, हमने डीसीपी चलवाई, झगड़ा कटवाए तो उसमें भी आग लगा दी झगड़ों में हमारे पास। आज क्या हुआ आपके साथ में? आज ये हुआ ना, हमें कोई आदेश ना पता, पुलिस लेके जमीन पर कब्जा करने लगे, कार्रवाई लगवाने के लिए लड़का लोग गुंडा लेके आ गए, हम उन्होंने मना किया तो धमकी देने लगे पुलिस। आपने कभी कोर्ट में शिकायत की कभी? अभी तक नहीं की। हमें पुलिस से आशा देते रहे कि तुम्हें क्या करना, हम नाजायज नहीं कर रहे आपके साथ, तुम्हें क्या करना नाजायज। अब वो नाजायज करने लगे हमारे साथ। क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं जो उनकी जमीने बोलें और जो हमारी पुश्तैनी कब्जा है, हमारी पुश्तैनी जमीन है जो हमारी है, हमें मिल जाए सर। हमारी 100 साल से हमारे पुश्तैनी नाना जी की जमीन है, हमारे पिताजी की। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।